भाग्य रहा कि मैं ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पहले से कृष्णा थे, और उनको सुन सुन के मैं जो वाणी थी फ्लूट की वो मेरे कान में कहीं गूंज रही थी, और मुझे शुरू से पसंद था बचपन से। तो इन शॉर्ट कि मतलब वो पूरा दिन घर में रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते, तो वो कहीं ना कहीं वो सुर कानों में पसंद आ गई, और मैंने ये डिसाइड तभी कर लिया कि मैं बजाऊंगा तो फ्लूट ही बजाऊंगा। और जो फ्लूट में जो पोजीशन है आप वाली, वो क्या नॉर्मल सब उस तरफ रखते हैं और अभी जैसे? हाँ, ये बड़ा सवाल होता है कि किशन जी ने इस तरफ पकड़ा, आप लोग उल्टा क्यों बजाते? मैं कहा, मैंने मेरा ये कहना है क्योंकि मैंने उनको देखा वो भी उल्टा बजाते थे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि आई कॉन्टैक्ट विद द तबला प्लेयर रखने के लिए उन्होंने इस तरफ। हाँ, तो मुझे लगा, मैं तो छोटा था, मैं सोचा था कि ही वॉज राइट बट ही वॉज लेफ्ट, पर वही फॉलो किया उनको तो बस। अच्छा, बांसुरी ऐसा वाद्य है कि हमें बहुत कम सुनने को मिलता है इस तरह से, जैसे आज एक बिल्कुल उपहार जैसा रहा, यूं कहें कि एक प्रसन्नता का प्रसाद जैसे, और जिस तरह आप बजाते हैं तो ऐसा लगता है सुनते सुनते स्वतः ध्यान लग जाता हो। तो जो हमारी हालत होती है तो आपकी क्या हालत होती है? बस ये मैंने बाबूजी से यही सीखा है कि जब भी आप बजाने जा रहे हैं तो कम से कम पहले अपने आप को प्रभावित करिए अपने संगीत से। If I am happy, definitely my audience will love it. तो मैं अपने आप को पहले खुश करता हूँ और फिर ऑडियंस, अगर मुझे पसंद आ रहा तो डेफिनेटली उनको भी पसंद आएगा। I've been in this profession for the last 35 years, so it was much before that. And now coming to the jugalbandi and the combination of North Indian classical music and South Indian classical music. Yeah, it's always a fascinating conversation, because how music using the same seven notes can sound so differently in many different regions of the world. It always amazes you, the language of music. And so between North and South Indian classical music is like one language spoken with two different dialects. And Rakesh ji and myself, we are both flute players, but between us there is so much of a difference with the way we handle our instruments and the way the instruments are designed. There's subtle differences. So we try and bring Carnatic music and Hindustani music together to form as what I call as Indian music. I've always had a very fond memory from New York. I played back in 92 for this very temple, in 1992, first time in New York. Subsequently, I've played in some of the very, very good halls across New York for various different organizations. It's always a pleasure. New York is a city that never sleeps, I can say. So I used to live here also at one point in time, exploring music with various musicians based out of the city. So it always brings back very fond memories. पर ये कहना चाहूँगा मैं दुनिया में कि लोग म्यूजिक में डूबे रहे, बाकी टेंशन तो भरा पड़ा है कि आज ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि जो आपको विच कनेक्ट्स यू टू गॉड इन अ सेकेंड।